2.0 एक ऐसा गाना है जो कि लाइफ में टूटने और बिखरने के प्रोसेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताता है। और इस गाने का मेन मोटिव ये है कि कैसे हम अपनी लाइफ में दुख और परेशानियों से उभर कर बिना किसी रिग्रेट के एक नए और मजबूत रूप में खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये गाना मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और मेरे आसपास के लोगों की कहानियों से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन इन मुश्किल पलों में ही हमें अपने असली ताकत और सुंदरता का एहसास होता है। जैसे सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि अगर हमारा ब्रेकअप हो गया है तो अब हमें टूटना है, बिखरना है, रोना है, इस स्टीरियोटाइप को हमने इस सॉन्ग के थ्रू तोड़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप होने के बाद हम टूटे और बिखरे ही रहे। बिखरे कहीं रहते यहीं, मानो ना मेरी बातें सभी, खोए रहे हर लम्हे, धुंधले लगे राहें सभी। इस वर्ड्स में मैंने ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है कि अब हम रिलेशनशिप के उस पार्ट में आ गए हैं जहाँ पर हम एक दूसरे की बातों से अग्री नहीं कर रहे हैं और हमें एक दूसरे की बात मानने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक जगह पर अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं साथ में खड़े होके, तो वो राहें हमें धुंधली लग रही हैं। कज देर रहने दे मुझे तो मैं तेरी याद ना बनूं, कहने दे मुझे तो ये फासले हैं ज़रूरी। इससे हम ये बयां करना चाह रहे हैं कि तुझको मुझे अपनी यादों में रखना ज़रूरी नहीं है, और ये जो दूरियां हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। हमारा फ्यूजन रॉक जॉनर चूज करने का मकसद ये था कि जो हमारे गाने का रिबेलियस नेचर है उसको हम कैसे उभार के बाहर ला सकते हैं। और हमारे म्यूजिक में जैसे कि आपने सुना है उसमें तबला है और काफ़ी अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वायलिन, इलेक्ट्रिक गिटार की रिफ्स हैं, पावरफुल ड्रम्स एंड सिंथ्स, जो कि इस गाने को एक अपलिफ्ट करता है लिसनर के लिए। ब्रेकअप टफ होते हैं नो डाउट, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेकअप हो गया है तो सबसे पहले अपने आप को टाइम दो और अपने इमोशंस को फील करो। क्राई इफ़ यू हैव टू, लिसन टू बिखरे, इट्स फ्री थेरेपी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी वैल्यू को किसी और के साथ मत जोड़ो। तुम्हारी खुद की वैल्यू इतनी ज़्यादा है और तुम बहुत खूबसूरत हो।